बार्बाडोस क्या कर पाएगा अपने टाइटल को डिफेंड, टीकेआर क्या करेंगे पलटवार, क्या जमैका पहुंचेगा फाइनल तक, कौन उठाएगा ट्रॉफी, विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग पार्टी होने वाली है शुरू, पहुंच गए हैं हम कैरेबियन में। Presents, खेल CPL, जी हाँ, खेल CPL, खेल तो बहुत रुका हुआ था, ये पहली लीग है, T20 लीग है जो शुरू होने वाली है आफ्टर द COVID-19 पैंडेमिक। अभी भी ऑफ कोर्स अंडर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, टीम्स पहले वहां पहुंच गई, फिर क्वारंटीन, फिर एक ही आइलैंड के ऊपर मुकाबले खेलना, तो ऑल ऑफ दैट इज देयर, लेकिन शुरू होने वाला है खेल CPL और उसमें बहुत सारा फन आने वाला है। क्यों? क्योंकि कहते हैं विश्व की जो सबसे बड़ी स्पोर्टिंग पार्टी है ना वो होती है CPL में। दर्शक हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, ये एक ही मैदान पे हो या अलग अलग मैदानों पर खेली जाए, लेकिन माहौल जो ये बनता है, जो क्रिकेट खेला जाता है, वो दिल को ना एकदम छू लेने वाला होता है। वैसे ये 8वां एडिशन है, 7 एडिशन यहाँ हो चुके हैं, 8वें एडिशन की तैयारी हो चुकी है और टीम सारी पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आए हैं, बट दैट्स अबाउट इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खिलाड़ी एकदम कमाल के हैं। वैसे भी कहते हैं कैरेबियन में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी तो रगों में, T20 क्रिकेट ही तो बहता है यार, क्या टीम बनाते हैं, क्या खिलाड़ी होते हैं, क्या मैवरिक्स होते हैं। बट देन बार्बाडोस 2 बार जीत चुके हैं ट्रॉफी, बार्बाडोस आर ऑल्सो द डिफेंडिंग चैंपियंस, फाइनल लास्ट ईयर भी जीते थे, क्या वो रिपीट कर सकते हैं लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। नाइट राइडर्स, ट्रिबागो नाइट राइडर्स जो है TKR, क्या 2 बार की जगह अभी तीसरी बार भी टाइटल जीत चुके हैं, यानी कि 2 बार ये जीते हैं, 2 बार बार्बाडोस जीती है, 2 ही बार आप जमैका को जीता हुआ पाएंगे, तो ये 3 टीम्स हैं जिन्होंने 6 टाइटल्स तो आपस में ही जीत लिए हैं। और एक बार पहले वो हुआ करती थी, जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की एक और टीम हुआ करती थी, वो एक बार जीते थे, तो गयाना आज तक कभी नहीं जीती है, ऑफकोर्स सेंट किट्स नहीं जीते हैं, तो उन सबसे उम्मीद होगी। पर अगर हम टीमों की बात करें, कौन कहाँ खड़ा है, एक एक करके जरा टीमों का थोड़ा सा करते हैं एनालिसिस। बार्बाडोस से करते हैं शुरुआत, और बार्बाडोस में जो आपको मिलेंगे वो है जेसन होल्डर, डिफेंडिंग चैंपियंस है, होल्डर से बढ़िया आपको कप्तान मिलेगा नहीं। लेकिन सिर्फ होल्डर नहीं है, इस टीम के अंदर जॉनसन चार्ल्स हैं, शे होप है, आई लाइक शे होप यार, प्लेयर बहुत बढ़िया है, T20 में उनको ज्यादा लोग चाहे रेट ना करें, मुझे तो बहुत पसंद है। एशली नर्स, राशिद खान, जोनाथन कार्टर, शायान जहांगीर, कोरी एंडरसन एंड मिचेल सैंटनर, अगर आप इस टीम के रोस्टर को देखें, मैंने सिर्फ मेन खिलाड़ियों का नाम आपको बताया है, एक से एक उम्दा खिलाड़ी आपको बार्बाडोस की टीम में नजर आने वाले हैं। इस टीम का जो सबसे रोचक कैरेक्टर जो है ना, जिसको आपको देखने में बड़ा ही मजा आता है, मतलब मुझे कहते हैं फन एलिमेंट जो खेल में लेकर आते हैं, वो मुझे लगता है राशिद करामाती खान, एक के बाद वो एक विकेट चटकाते हैं, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो टेकन अ हैट्रिक, और गूगली उनकी ना आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ना कोई चुगली कर पाया, ना कोई उसको पढ़ पाया, इसीलिए ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आई फील वंस अगेन, अगर बार्बाडोस लास्ट ईयर के चैंपियंस, जो कोर उनका है वो बहुत ही स्ट्रांग है और मैच विनर्स इनके पास हैं, आई थिंक दिस टीम विल डू वेल। डिफेंड करना टाइटल को बहुत मुश्किल होता है, पहली बार जीतने से ज्यादा कठिन होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दैट दे विल विन द टाइटल, दैट वोंट बी माय प्रेडिक्शन, पर दे विल बी इन द फाइनल 4 फॉर श्योर। आई मीन दिस इज अ टीम दैट विल गो द डिस्टेंस विदाउट डाउट, सो बार्बाडोस लुक आउट फॉर दिस टीम, दिस इज वेरी गुड फन 88 का खेल CPL में। हम अब दूसरी टीम की जो बात करने वाले हैं वो है गयाना। गयाना ऑफकोर्स दे वर द लास्ट ईयर्स रनर्स अप, तो वहां तक तो पहुंचे लेकिन फाइनल फ्रंटियर को क्रॉस नहीं कर पाए, बट देन ऑल्सो गयाना इज अ टीम दैट हैज नेवर वन द CPL, तो उनके लिए तो कुछ अलग ही एक चुनौती रहने वाली है। अब इनके कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स इनके एक्चुअली मैं 4 का नाम लेने वाला हूँ, चारों एक से बढ़कर एक, भैया निकोलस पूरन एकदम सारे काम करे संपूर्ण, बहुत बढ़िया प्लेयर, शिमरन हेटमायर अ लॉट टू एडमायर, बहुत बिटाई करते हैं ये भी जब कहानी करने, जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं, तो 2 जबरदस्त लेफ्ट हैंडर, रॉस टेलर भी ना पिछले अगर आप 18 से 24 महीने देखें ना, इनकी भी जो गुड्डी है ना वो एकदम आसमान में चढ़ी हुई है, और साथ में आपको मिलेंगे इमरान ताहिर, तो टीम इनकी खराब नहीं है, मतलब क्या कहें का जो कोर है वो खराब नहीं है। बट देन अगर बार्बाडोस से कंपेयर करें, TKR से कंपेयर करें, तो फिर लगता है कि बहुत, मतलब जो टैलेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड पूल है, कि सिर्फ वो 4-5 लोगों 6 लोगों में आपको टैलेंट नजर आएगा, वो वेल स्प्रेड नहीं है, और इस वजह से गयाना आई डोंट थिंक दैट दे'ल एक्चुअली रिपीट द परफॉर्मेंस, दे मे नॉट रीच द फाइनल्स, तो दे विल बी अ मिड टेबल टीम इज वॉट आई फील, नीदर है नॉट देयर। और जो सबसे एंटरटेनिंग, जो फन एलिमेंट जो मुझे दिखने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इमरान ताहिर, मतलब विकेट लेके जब भागेंगे ना, तो हो सकता है कि बाय फुट वो ट्रिनिडाड से गयाना पहुंच जाए, ही इज दैट वेल, सो ही विल बी द गाय हु विल बी वॉचिंग फॉर जमैका।
नहीं है, मान लिया, आई नो क्रिस गेल नहीं है, उन्होंने नाम वापस ले लिया, पर देन जमैका की टीम फिर भी बहुत अच्छी होगी। रोमन पावल उनके कप्तान हैं, आंद्रे रसल इनके पास है, ओशेन थॉमस हैं, चैडविक वॉल्टन है, संदीप लामिछाने हैं, कार्लोस ब्राथवेट है, मुजीब है, जर्मेन ब्लैकवुड है। टीम ठीक है भैया इनकी, जमैका मुझे लगता है सर अच्छा करेगी विद और विदाउट क्रिस गेल। लास्ट ईयर अच्छा नहीं किया था इस टीम ने, और इस वजह से वो बहुत सारी ऐसा लगा डिस्कॉर्ड भी है, मज़ा नहीं आ रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। इस टीम का जो डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से रहेगा वो अगर संदीप लामिछाने, विकेट चटकाएगा, एक खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है, और जो फन को एकदम वो चार चांद पे लगा देता है, जो एकदम आपको आंखें मतलब दिल खुश कर देता है, दिल खुश करने वाला जो मेरा प्लेयर है ना वो है आंद्रे रसल। गेंद को दे ये मसल, या फिर कहूँ आंद्रे अंदर गेंद बाहर, ऐसा काम ही करके जरूर बताते हैं। टीम अच्छा करेगी यार, ये टॉप तीन में इस टीम को मैं रख रहा हूँ, मतलब बारबेडोस के साथ। मैं मुझे लग रहा है कि जमैका वंस अगेन विल बी अ टीम टू बीट, वोंट बी दैट इजी टू टू जस्ट पुट देम असाइड। सेंट किट्स की अगर हम बात करें, सेंट किट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं, टाइटल नहीं जीते हैं, गयाना जैसे इनकी कहानी है, लेकिन गयाना तो फिर भी फाइनल में अभी नजर आए थे। सेंट किट्स टीम में मैं आपको मेन प्लेयर बता देता हूँ, रेमंड एमरेट इनके कप्तान है, एवन लुइस गुड प्लेयर नॉट एट डाउट, शेल्डन कॉटरल गुड प्लेयर सैल्यूट, रामदीन अल्जारी जोसेफ, क्रिसलेन डंग, तनवीर सोडी, शेल्डन कॉटरल विल बी माय गाय। कि यार वो जो बॉलिंग करके सैल्यूट करते हैं ना, आई लव हिम टू बिट्स, तो वो मुझे लगता है कि बड़ा फन एलिमेंट को लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये टीम आगे जाएगी? नहीं जाएगी, ये मुझे बॉटम ऑफ द टेबल वाली टीम नज़र आ रही है। सेंट किट्स से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं, हालांकि तनवीर को देख लीजिए आप, एवन लुइस को देख लीजिए, शेल्डन कॉटरल को देख लीजिए, टीम अच्छी है, पर आई जस्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये टीम आगे जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सेंट लूसिया की टीम की बात अगर मैं करूँ तो डैरन सैमी है, एंड्रे फ्रेचर है, कैस्ट्रिक विलियम्स, कॉनवॉल, नाबी, नाजीबुल अजादरान, रॉस्टन चेज एंड कुगलाइन। टीम इनकी अच्छी है, कप्तान भी इनके पास अच्छा है, डैरन सैमी इज अ फैंटास्टिक कैप्टन बॉस, गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। सेंट लूसिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड्स इन द कैरेबियन, खिलाड़ी भी बड़े अच्छे हैं, टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कलरफुल कैरेक्टर है इनका सबसे अच्छा, जो मुझे देखने में मतलब आप खास आप देखना चाहते हो, कसरिक विलियम्स, वो ऐसे उन निकाल के नोटबुक सेलिब्रेशन भी करते हैं एकदम आपके, ही इज इन योर फेस, ही इज अ गुड प्लेयर यार, आई लाइक हिम। दिस टीम मिड टेबल से थोड़ा सा ऊपर शायद, क्योंकि तीन टॉप तीन में क्या आ सकती है, मे बी फोर्थ, नंबर फोर पे इज सेंट लूसिया इन माई बुक्स, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट देन वी शैल फाइंड आउट। ट्रिनिडाड और ट्रिनिडाड के ही दो मैदानों पर यहाँ मुकाबले होने, अलग अलग आइलैंड में नहीं जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। ट्रिबागो नाइट राइडर्स, ये टीम अच्छी है, ये एक्चुअली टॉप दो या तीन में आने वाली टीम है, पोडियम पे फिनिश करने वाली टीम है, और ये इस टीम में है पोलार्ड, ब्रावो, नरेन, मनरो, डैरन ब्रावो, लेंडल सिमेंस, तांबे, सिकंदर राजा, टिम साइफर्ट, इट इज अ डैम गुड टीम यार, आई मीन डैम डैम गुड टीम। डीजे ब्रावो जहाँ पे वहाँ होंगे तो वहाँ चैंपियन सारे हो ही जाते हैं, और बहुत अच्छा ये वो जो कहते हैं फन एलिमेंट को लेकर आते हैं, समथिंग दैट यू रियली एंजॉय एंड हैव अ बॉल विद, तो वो आपको देखने को वहाँ मिलेगा। टीम मैंने आपको पहले ही कह दिया टॉप तीन में आपको नजर आएगी। आई थिंक दिस इज अ टीम टू रियली वॉच आउट फॉर। चलिए आप बताइएगा जरूर कि आपको हमारा फन 88 खेल सीपीएल लगा कैसा। इनफैक्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट आई विल बी विद यू प्रीव्यूइंग द गेम, और फन 88 दे आर द ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर ऑफ द सीपीएल दिस सीजन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन गेमिंग ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। तो फिर फन 88 खेल सीपीएल आकाश चोपड़ा के साथ वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, इसको हम करने वाले हैं एंजॉय। सो स्टे हियर, स्टे ट्यून्ड, जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना, क्योंकि अगली बार जब फन 88 का खेल सीपीएल आया ना, यू डोंट वांट टू मिस, यू रियली वांट टू नो विच टीम आई एम बैकिंग टू विन, क्योंकि अगले जो एपिसोड रहेंगे उसमें आई एम गोइंग टू पिक माई विनर्स। व्हाइल आई एम प्रीव्यूइंग द मैचेस आई विल बी पुटिंग माय नेक आउट देयर यार, कि ठीक है, कि आई विल बी स्टिकिंग माय नेक आउट कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हो सकता है कि हार जाएगी।